गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो तुझसे पहले, ऐसे कुछ गाना सुना है आपने। देखिए, आज बिल्कुल इसी टॉपिक पर हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले यो। ये पुराने ज़माना का एक बहुत ही अच्छा गाना है। इसको हम काहे लिए आपको बताने वाले हैं। देखिए, कुछ टॉपिक हमारा जो पार्ट 16 है वो उसी पर डिपेंड है। या तो इसको मिला दो और या तो इसको ख़त्म कर दो। जैसे कहते हैं ना, प्यार में जो प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं, कहते हैं या तो मेरे यार से मिला दो या फिर मुझे दुनिया से उठा दो। सुना है ना, ऐसा कुछ फील होता है। तो ऐसे ही टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। अभी काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, समझ ना पा रहे होंगे ये बताने वाले कहाँ हैं। इधर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, इसको यहाँ पर नहीं बताएंगे। अगर नहीं देखा तो कमेंट करना, उसको हम आपको दिखा देंगे, ठीक ना। अब चलिए, बात आती है कि 1890 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर कौन सी संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये भी हो सकता है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, जैसे मैंने अभी बताया था ना, चाहे मिला दो चाहे जो बचा है अकेले उसको भी ख़त्म कर दो, ठीक ना। इधर देखना, तो जब हम इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, और फिर क्या हो जाएगा, ये 2 7 14। देखो, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। ये है 5 ना लास्ट में, ये एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या कभी सम संख्या से नहीं कटेगी, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो ये 3 से कट सकती है, देख लो, 3 3 9, और ये 3 1 3, 3 5 15, हाँ ठीक है, ओके। फिर 3 से काट दो, 3 1 3, 3 5 15, चूँकि 105 तिहैया 315 होगा। कुछ लोग यहाँ पर काटेंगे तो 3 1 3, 3 5 15, 15 लिख दें, जो कि गलत है। आप फिर क्या करोगे, 3 से काट दो तो 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से काट दो, 5 7 35, और 7 से काट दो तो 1। इतना बात समझ में आई। हाँ, अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो अभी गाना हमने सुनाया था, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो वाला, अब उस पे चलते हैं। देखना क्या करना है, इसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक ना। तो पूर्ण वर्ग मतलब पहले थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, नहीं ऊपर से उड़ जाएगा। जैसे देखो, 16 है ना, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अगर हमने लिखा 36, तो 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। मतलब जिस संख्या को हम किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख सकें वो पूर्ण वर्ग होती है। लेकिन अगर हम 15 कहें तो 15 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। हाँ, 15 पूर्ण वर्ग हो सकती है, जब इसमें 1 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। जैसे हमने लिखा 18, अब कहें कि 18 में किस संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, या किस संख्या से भाग कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चाहे इसमें आप 2 से गुणा कर दो तो ये 36 हो जाएगा, तब भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, चूँकि 36 जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप 2 से भाग भी कर दोगे तो 9 आ जाएगा, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। जिस तरह से आप 18 में 2 से भाग करके या 2 से गुणा करके पूर्ण वर्ग बना सकते हो, उसी तरह से इस संख्या को भी कुछ किया जा सकता है। देखिए, गुणा करने का मतलब है कि दोनों प्रेमी जोड़ों को मिला देना, भाग करने का मतलब है कि जो एक अकेला बचा है उसको भी मार देना, बात समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलाना ज़्यादा अच्छा होता है। आगे देखिए, मतलब समझना आप जो हम बताने वाले हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना है भाई, 6 है ना। तो चलिए, अब हम इसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 3, और 3 3 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो ये हमने लिख लिया 3 बार। फिर है 5 और फिर है 7, एक मज़ेदार वे में समझना, ठीक। अब अगर ये पूर्ण वर्ग होगी तो इसमें जोड़ी सभी का बननी चाहिए, वही जो मैंने अभी गाना सुनाया था इसलिए, ठीक ना। अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, तो जिंदगी तेरे संग हो का मतलब यहाँ पर सभी की इसमें जोड़ी होनी चाहिए, मतलब पेयर होने चाहिए हर कोई, इसमें जितने भी हैं। तो देखो, इसमें पेयर कौन कौन है, 3 3 का तो एक पेयर है, बाकी जितने हैं सब अकेले हैं,
अनमैरिड है, इनकी मैरिड कराना है, मतलब समझना, इनका या तो जोड़ा बना दो या तो फिर इनको ख़त्म कर दो। तो दो ही ऑप्शन है। देखिए जो अकेले हैं वो कौन कौन है, दो है, एक तीन भी है, एक पाँच भी है, एक सात भी है। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, इसको पूर्ववर्ग बनाने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जितनी भी ये नंबर अलग अलग बेचारे बचे हैं ना, इन सब का जोड़ा बना दो, इनके साथ में एक एक नंबर और लगा दो। दूसरा तरीका ये है कि इनको भाग कर दो उसी नंबर से, मतलब उतने से ही, ये तो ये दोनों स्थिति में पूर्ववर्ग बन जाएगी। लेकिन हमने आपको बताया था कि कोई अगर बिछड़ा है तो उसको मिलाना, और जो अकेले बचा है उसको भी मत ख़त्म करना, कि मिलाने के बजाय उसको भी ख़त्म कर दो, क्योंकि प्रभु हनुमान जी की पूजा होती, उन्होंने रामचंद्र जी को सीता जी से मिलाया था, ठीक ना। तो बहुत दिन तक याद किए जाओगे आप, तो इसलिए ऐसा कुछ ना करना। आप देखिए मिलाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा दूर दूर लिखें तब हम बता पाएंगे ना, मतलब की चीज़ कौन कौन नंबर था, दो था, तीन, पाँच, सात। तो ये तीन, पाँच और सात, भाई मिलाना है तो जगह भी तो होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, एक दो यहाँ ला के रख दो, इसका भी देखो जोड़ा बन गया है ना, एक तीन भी ला के रख दो इसके बगल में, देखो इसका भी जोड़ा बन गया, एक पाँच भी ला के रख दो इसमें, इसका भी जोड़ा बन गया, और ये सात अकेला है, चाहे तो इसको इधर लिख लो, ये मैंने पहले लिख लिया, ये चलो सात भी रख दिया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब देखो सभी की जोड़ी बन गई ना, लेकिन हमने अलग से क्या क्या जोड़ा इसमें, मतलब क्या क्या लाया, एक दो तीन चार, इन चारों नंबर को हमने अलग से ला के इसमें जोड़ा है, उनका गुणा कर लो चारों का, दो, ये लो गुणा करके दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, एक दो नया जोड़ा इसमें ला के अपने तरफ से, चूँकि पहले से ये दो था, इसका जोड़ा नहीं था ना, ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। इसमें एक तीन हमने ला के जोड़ा अलग से, इसमें एक पाँच दिया इन्हें अलग से, और इसमें एक सात दिया अलग से, इनका सबका जोड़ा बनाने के लिए। अब इनका गुणा कर लो, दो तिहाई छः, छः पंचे तीस, सही है ना, और 30 का 5 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3 5 15 150, यानी कि 1890 में अगर 150 का गुणा कर दोगे तो ये पूर्व वर्ग संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई ना, फिर इनके भी पेयर हो जाएंगे, ये भी सब खुशहाल हो जाएंगे। और वो गाना जो मैंने आपको बताया था ना, गर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, सही हो गया ना। लेकिन हाँ एक बात समझना, मुझे ज़्यादा गाना नहीं आता, इसलिए कमेंट मत करना, मज़े मत लेना कि भाई गा रहे हो इसे बेसुरे स्वर में फटा बाँस जैसे, ठीक ना। बात समझ में आई, इसका उत्तर कितना आएगा, 1890 कितना आएगा, ओ सॉरी 1890 नहीं 150। और हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1850 कैसे आएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आंसर यहाँ पे लिख दो 150, चूँकि हमने आपको दिखा दिया कैसे आया था ना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, तो ये पूर्ववर्ग संख्या हो जाएगी। अतः यहाँ पर लिख दो, अतः जिन संख्याओं के जोड़े नहीं हैं उनमें ये दो तीन पाँच व सात शामिल हैं, अतः यदि हम 1890 में इनके गुणनफल का गुणा कर दें तो ये पूर्व वर्ग हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी वो हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, आप देखना। देखो पूर्व वर्ग का मतलब इसका वर्गमूल निकल जाए, अगर हम इसका अभी वर्गमूल निकालेंगे हाल ही स्थिति में, तो ये हमारा तीन और दुई तिहाई छः पंचे तीस, ध्यान देना अभी हमने जो गुणा किया था गलत किया था क्या, एक मिनट रुकना, एक मिनट, अभी जो हमने नंबर लिया था गुणा करने के लिए उसमें शायद पाँच लिख दिया था ना सात की जगह पर, ऐसा कुछ किया था ना, एक मिनट बैक जाना, एक मिनट, जोड़ा किसका किसका नहीं था, दो का नहीं था ना, एक तीन का नहीं था, एक पाँच का नहीं था, एक सात का नहीं था, मतलब यही तो अकेले बचे हैं ना, इन्हीं का गुणनफल तो उत्तर होगा, दो तिहाई छः पंचे तीस, सात का गुणा करना है, सॉरी 210 होगा इसका आंसर, कितना होगा 210। इसीलिए कहते हैं पूरी क्लास देखा करिए, देखिए मानवीय त्रुटि के लिए आपको अपना सजेशन देना होगा, बाकी हमारी कोशिश पूरा होती कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो, ठीक ना। देखो हमने यहाँ 7 लिखा था, बार बार चिल्ला रहा हूँ सभी का जोड़ा बनाना है, बट इसमें गलती से हमने यहाँ 5 लिखा था, ये गड़बड़ था ना, तो 210 इसका उत्तर होगा, ठीक ना, समझ गए। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसका उत्तर 210 कैसे होगा, 210 का इसमें गुणा कर लो, 210 का इसमें गुणा कर लो, 1890 है ना, ये लो 1890 गुणे 210,
अब इसका वर्गमूल निकालो, निकल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे एक में गुणा करके काटो, काहे लिए एक में गुणा करके काटे, इसका वर्गमूल निकालना है, अगर पूर्व वर्ग हो जाएगी तो वर्गमूल निकल जाएगा। तो 1890 के जितने गुणनखंड आए थे उनको लिख लो, ये देखो ऊपर है ना, 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7 और 290 के जो है उनको भी लिख लो। 290 के अभी वही आए हैं जो 2, 3, 5, 7, चलो सभी का जोड़ा बना लो, बस हो गया इसका उत्तर। देखिए अगर इसका वर्गमूल आ गया इसका मतलब पूर्व वर्ग बन गई। एक जोड़ा देखो दो दो का बन गया, और एक तीन दो यहाँ से ले लो, एक दो यहाँ से ले लो, देखो ये भी बन गया। एक तीन यहाँ से ले लो और एक तीन यहाँ से ले लो, देखो तीन का भी जोड़ा बन गया। सबको निकालते जाओ, दो फिर एक तीन और फिर दूसरा तीन, एक पाँच यहाँ से ले लो ठीक, और एक पाँच यहाँ से ले लो, देखो पाँच का भी जोड़ा बन गया। अब बच कौन रहा, सात बच रहा अकेले ना, ये देखो सात यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका भी ले लो। अब फाइनल में इसका जो दोनों का गुणनफल का वर्गमूल है वो आपके सामने आ चुका है, 2 × 3 = 6 है ना, 3 × 18 = 18, 5 = 90 और 90 का 7 से गुणा कर दो, 7 × 9 = 63, 630 इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो जाएगा जब दोनों का गुणा कर लोगे। यानी कि गुणा करने के बाद हमें वर्गमूल मिल जा रहा है, अतः 210 से अगर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, संख्या पूर्व वर्ग हो जाएगी। कक्षा 8 की बुक में क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा है, 2 का बी का सवाल नंबर तीसरा है, इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बात समझ में आई, तो चलते हैं आगे। इस तरह से आप कोई भी सवाल होगा उसको कर ले जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना, टाइम भले 8 से 10 मिनट लग जाए लेकिन समझ में आएगा पूरा अगर ध्यान से समझोगे तो। देखिए अब आगे इसी तर्ज पर आप लोग इसी टाइप का कुछ सवाल घर से करेंगे, 2 सवाल हमने आपको दे दिया है, कुछ आप खुद से बना लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में अगर हम भाग दे दें तो भागफल यानी कि कोएफिशिएंट एक पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, करके बताना। दूसरा, 125 में किस संख्या से गुणा या भाग कर दें कि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए, क्योंकि 125 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक सवाल और भी लिख लेना, घर के लिए चाहे बाहर के लिए खुद से करके लेके आना, और ये बताओ आप सभी कि 200 में किस संख्या से गुणा या भाग करें कि ये भी एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए वो तो बड़ी बड़ी संख्याएं थी, ये सब तो छोटी छोटी है ना, कर ले जाओगे ना। तरीका मैंने बता दिया है, गुणनखंड करोगे, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनका जोड़ा बना देना है, उनको मिला देना है और फिर बाकी सबको हटा देना है। 2 तरीका है, एक तो आप उनको मिला दीजिए, दूसरा उनको हटा दीजिए। तो मैंने आपको बताया था, मिलाइएगा बस, हटाइएगा मत, ठीक ना, बात समझ गए ना। तो चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग ये टाइप का सारा सवाल समझ चुके होंगे, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो। इन्हीं बातों के साथ याद रखिएगा 8 बजे से आपकी कक्षा 10 NCERT गणित होगी, तैयार रहना। उसके पहले भी हो सकता है आपको 1-2 वीडियो मिल जाएं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन रखें। आपने देखा PVR स्टडी इलाहाबाद में ये क्लास, अगर फेसबुक पर देखा तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लेना, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। और हाँ, अगर रेगुलर क्लास करना है तो एक बात मैं बहुत ज़रूरी बताने वाला हूँ जाने से पहले, रेगुलर अगर क्लास करना है तो ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसे हम आपको फिर से दिखा दें, उस पर आप मैसेज करके क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हो सकता है पार्ट 17, 18, 19 आपको ना मिले और 20 भी ना मिले, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों ने देख लिया आज तक बिल्कुल यूट्यूब पर। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कंप्लीट बेसिक मैथ का मात्र 549 रुपये पेमेंट करना होगा, जो कि आप किसी भी तरह से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो घर बैठे, और चाहे जैसे भी करिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में देखते रहो, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और इंक्वायरी के लिए आप 7848 32999 या फिर 32 की जगह पे 33 करके ये पूरा नंबर मिला देना, और 10 बजे से 6 बजे तक, सुबह 10 से शाम 6 तक आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलते हैं फिर, एक बार फिर से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ।